हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्ना बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ हिस्ट्री की बुक का चैप्टर सिक्स टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस का पार्ट टू पार्ट वन में हम काफ़ी सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा कर के अब हम लोग देखते हैं यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया काबुल तक अब इसमें हम देखेंगे क्राफ्ट एंड टाउन्स कि क्राफ्ट किस तरीके से शहरों में होता था क्राफ्ट पर्सन क्राफ्ट होता है कोई भी चीज़ जैसे कि कढ़ाई करना बुनाई करना या फिर लोहार सुनार ये सारे के सारे क्राफ्ट पर्सन होते हैं क्राफ्ट पर्सन जो थे बिदर के बिदर की साड़ियाँ बड़ी है ना फेमस है सिल्क की साड़ियाँ क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर वर सो फेम्ड फॉर द इनली वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी नोन एज बिदरी तो बिदरी क्या था बिदरी में कॉपर और सिल्वर का इस्तेमाल करके कढ़ाई की जाती थी ठीक है पांचाल जिनको विश्वकर्मा भी कहा जाता था विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ्स ब्रॉन्स स्मिथ्स ब्लैक स्मिथ्स मेजन्स कारपेंटर्स वर असेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स तो पांचाल्स या फिर विश्वकर्मा जो कि गोल्ड स्मिथ होते थे गोल्ड स्मिथ होते गोल्ड बनाने वाले ब्रॉन्स बनाने वाले ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि ये मेजन्स भी होते थे मेजन होता है मेजन का मतलब होता है ये जो वो होते हैं ना मजदूर जो मजदूरी का काम करते हैं जैसे कि चिनाई वगैरह का घर बनाने का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे टाउन्स बनाने के लिए टाउन्स क्योंकि घर बनेंगे और टेम्पल्स बनाने के भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे दे वर ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस मतलब राजा के खूब महल बनाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टैंक्स डिजर्वायर बनाने के लिए भी इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था बहुत यूज़ होता था मेजन्स का वीवर्स सच एस सलियार और कैकोलर्स एमर्ज एज द प्रोस्पेरस कम्युनिटीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है वीवर्स बुनने वाले सलियार्स ठीक है ये भी काफ़ी अमीर कम्युनिटी बनकर के आए थे काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस ये दिया करते थे टेंपल्स को सम एस्पेक्ट ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग स्पिनिंग एंड डाइंग बिकम स्पेशलाइज एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉटन को साफ करना जोड़ना फिर उसमें रंगाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क बन गए थे अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कितनी अब ध्यान से देखेंगे कितनी बारीकी से इसमें डिज़ाइनिंग की गई है ये सेवनटीन सेंचुरी का कैंडल स्टैंड है मतलब मोमबत्ती रखने का स्टैंड है ठीक है ब्रास से बना हुआ और ये शॉल है ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउंस टाउन्स की किस्मत कैसे बदलती थी कुछ टाउन्स जैसे कि अहमदाबाद के गुजरात में वेंट ऑन बिकम कॉमर्शियल सिटीज़ बट अदर्स लाइक थानजावर, श्रांक इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंचुरीज तो अहम जो गुजरात का अहमदाबाद है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ इंपॉर्टेंट हो गया बट कुछ शहर जैसे कि थानजावर टाइम के साथ साथ इंपॉर्टेंस उनकी कम हो गई मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में है वो भगीरथी रिवर के आ, किनारे पर है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ गया सिल्क के लिए और कैपिटल बन गया था बंगाल की 1704। फिर उसका मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया वहाँ से वीवर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ा मिल के जो मिल मतलब फैक्ट्री से बने हुए जो कपड़े आए थे तो मुर्शिदाबाद का भी डिक्लाइन हो गया कुछ टाइम बाद अ क्लोजर लुक हम्पी अब हम्पी के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम्पी मसूली पटनम एंड सूरत ये तीनों टाउन्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इनके बारे में हम देखेंगे द आर्किटेक्चुरल स्पलेंडर ऑफ हम्पी आर्किटेक्चुरल स्पलेंडर का मतलब है एक अनोखा सा इतना खूबसूरत सा जो आर्किटेक्चर बनाया गया है हम्पी में उसके बारे में हम देखेंगे हम्पी इज़ लोकेटेड इन द कृष्ण तुंगाभद्रा बेसन कृष्णा तुंगाभद्रा बेसन तो कृष्ण तुंगाभद्रा ये नदियों के नाम है यहाँ से कृष्णा है यहाँ से तुंगाभद्रा है यहाँ पर बसा हुआ टाउन है हम्पी ये इंपॉर्टेंट था काफ़ी ज्यादा विजयनगर एम्पायर के लिए जो कि स्टार्ट किया गया था 1336 में विजयनगर एम्पायर 1336 में स्टार्ट किया गया था और हम्पी काफी इंपॉर्टेंट टाउन था मैग्नीफिशेंट र्यून्स मतलब काफी बर्बाद कर दिया गया है बट फिर भी हम्पी फोर्टिफाइड थी काफी ज्यादा किले वगैरह इसमें बनाए हुए थे प्रोटेक्ट करने के लिए बट इसको बहुत ज्यादा जो इन्वेडर्स हुए दुश्मनी हुई राजा महाराजा की लड़ाई वगैरह हुई इसमें काफ़ी ज़्यादा हम्पी को बर्बाद कर दिया गया है फिर भी काफ़ी अच्छा कुछ इसमें बचा हुआ है जिसको हम र्यून्स ऑफ हम्पी बोलते हैं तो हम्पी में बनाने के लिए किसी भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था कंस्ट्रक्शन वॉल्स वगैरह बनाने के लिए ठीक है फॉलोड वॉज अ वेज देम टुगेदर बाई इंटरलॉकिंग और मतलब किसी सीमेंट वगैरह का नहीं देखिए इस्तेमाल किया जाता था सिर्फ इनको खड़ा कर दिया जाता था इंटरलॉकिंग की हेल्प से इस तरीके से इनको जोड़ करके रखा जाता था ताकि ये अच्छे से खड़ी रहें अ फोटिफाइड सिटी फोर्टिफाइड सिटी क्या होती है दिस इज़ हाउ पोर्टुगीज़ ट्रैवलर डेमिगोपियाज ये इंपॉर्टेंट है बताया मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए ये जो बैकेट्स में आपके सॉरी जो बॉक्सेस में दे जाते हैं कि भाई डेमिंगोप्याज पे आ जाइ क्वेश्चन इसने किस क्या ये हम भी गया था कहाँ का था पोटुगेज ट्रेवलर था हम भी किया था जि गया था बिल्कुल सही बात है सिक्सटीन सेंचुरी में हम भी गया था एट द एंट्रेंस गेट एंट्रेंस गेट पर था तो ये देखता है कि दोस्त पास who come from Goa, this king has made within it a very strong city, fortified with walls and towns. These walls are not like those of other cities, but are made of very strong masonry, such as would be found in a few other parts. And inside, very beautiful rows of building made after the manner, which flat rows. मतलब इसमें तारीफ की गई है तो डेमिंगो पियास एक पोर्टुगीज़ ट्रैवलर था हम्पी गया था और हम्पी की तारीफ करता है तो अब ये देखिए साइड में क्या लिखा है ड्यूरिंग द रूल द जब विजयनगर रूलर्स का रूल चल रहा था उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था बिल्डिंग्स बनाने में टैंक्स बनाने में और केनाल्स बनाने में बिल्डिंग टैंक्स एंड केनाल्स तो टैंक्स एंड केनाल से क्या हो सकता है इरिगेशन हो सकता है तो अनंत राज द सागर टैंक वॉज बिल्ड विद वन किलोमीटर लॉन्ग अर्दन डैम अक्रॉस द मालदेवी रिवर तो मालदेवी रिवर के पास अनंतराज सागर टैंक बनाया गया था और काफ़ी ज़्यादा और फिर उसके बाद कृष्णदेव राय बिल्ड अ ह्यूज स्टोन एम्बैकमेंट बिटवीन द टू हिल्स टू क्रिएट अ मैसिव लेक नियर विजयनगर फ्रॉम विच वाटर वॉज कैरीड थ्रू एक्विडक्ट्स एंड चैनल्स टू इरीगेट फील्ड एंड गार्डन्स तो इन्होंने ये जो थे ना कृष्णदेव राय इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब दो हिल्स के बीच में से एक आप कहजिए एक ऐसा वाटर का चैनल सा निकलवा दिया था कि उससे सिंचाई की जा सकती थी आराम से तो देखिए जो आर्किटेक्चर था ना हम्पी का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इसमें हम लोगों को क्या क्या मिलता है इनकी बिल्डिंग्स जो कि रॉयल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर राजा रहता था स्प्लेंडेड आर्चेस खूब खूबसूरत से आर्ट्स वगैरह इसमें बनाए गए हैं डोम्स पिलर्स काफ़ी खूबसूरत स्कल्पचर्स यहाँ पर कलाकारी यहाँ पर की गई है देखिए कितना खूबसूरत है ये देखिए यहाँ पर आर्चेज हैं फिर उसके बाद डोम्स ऊपर की तरफ है ना बहुत खूबसूरत यहाँ पर कलाकारी की गई है और यहाँ पर वेल प्लांट प्लान्टकिड्स मतलब बगीचे होते थे गार्डन्स होते थे प्लेजर के लिए और स्कल्पचरल मोटिव्स मोटिव्स का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए ये फूल है पूरी की पूरी हमारी एक चद्दर है उस पर हमने इस तरीके के फूल बना दिए हैं तो ये फूल क्या हो जाएंगे मोटिव्स हो जाएंगे इन मोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता था तो लोटस कारबल्स इनके मोटिवस जो हैं स्कल्पचर्स पर बनाए जाते थे और इन इट्स हेडे इन द फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेंचुरी हम बस्टल्ड बस्टर्ड विथ कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ जब इसका खूब अच्छा सम अच्छा समय चल रहा था हम्पी का तो काफ़ी सारी कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुआ करती थी मुस्लिम मर्चेंट जैसे कि चेती हो गए और यूरोपियन ट्रेडर्स पोर्टुगीज़ वगैरह हम्पी में काफ़ी ज़्यादा आया करते थे भरे रहते थे इनके मार्केट्स में और काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यापार चलता था अब ये जो ये वाली जो फ़िगर है फ़िगर सेवन ये है स्टोन चैरियट विट्ठल टेम्पल हम्पी में हम्पी में विट्ठल टेम्पल है उसका एक ये स्टोन चैरियट है मतलब एक बिल्डिंग टाइप की है टेम्पल्स जो थे वो हब थे मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए देवदासीज जो होती थी वो वहाँ पर डांस परफॉर्म किया करती थी मतलब एक देवदासी कह लीजिए डांसर्स होती थी जो कि डांस करती थी आ, मंदिरों में वो काफ़ी मतलब भगवान के लिए डांस परफॉर्म किया करती थी ठीक है बिफोर द डेट ही रॉयल्टीज़ एंड मासेज इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपक्ष अ फॉर्म ऑफ शिव तो वीरूपक्ष काफ़ी मैनी काफ़ी सारे पिलर्ड वाला जो हॉल होता था ना उसमें वीरूपक्ष जो ईश्वर uh, होते थे शिव भगवान का नाम है वीरूपक्ष टेम्पल वहाँ पे इनके लिए प्रेयर किया करते थे महानवमी फेस्टिवल जो कि नवरात्रि के नाम से जाना जाता है साउथ में काफ़ी अच्छे से हम्पी में सेलिब्रेट किया जाता था आर्क्योलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट्स फ्राम सबॉर्डिनेट चीफ्स तो महानवमी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था जब ये इसके सेलिब्रेशन होते थे तो काफ़ी सारे किंग्स वहाँ पर आते थे किंग्स के जो सबॉर्डिनेट होते थे वो किंग्स के लिए गिफ्ट लाए लाते थे डांस म्यूजिक और रेसलिंग वगैरह इन सब का परफॉर्मेंस किया जाता था हम्पी जो है फेल इन टू हम्पी की बर्बादी कब से शुरू हुई जब विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो गया 1565 में 1565 में विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो गया किसके द्वारा हरा दिया गया था इनको डेक्कनी सुल्तान जो थे गोलकोंडा बीजापुर अहमदाबाद बिरार और बिदर तो बिदर बिरार अहमदाबाद बीजापुर गोलकोंडा इनके जो सुल्तान ने मिल करके विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था और 1565 में विजयनगर एम्पायर का पतन हो गया था अ गेट वे टू द वेस्ट वेस्ट में जाने के लिए गेट वे एक रास्ता सूरत को होते हुए सूरत जो था गुजरात में वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग द कैम्बे प्रेजेंट ए खंबा ठीक है सूरत गुजरात में जो सूरत है वो एम्पोरियम था मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी देखिए एम्पोरियम क्या होता है यहाँ पर देखते हैं एम्पोरियम प्लेस जहाँ पर अलग अलग प्रकार के गुड्स बनते हैं और बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं तो सूरत भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था व्यापार करने के लिए तो सूरत को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी उस समय पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ट्रेड वगैरह होता था वेस्ट एशिया के ये मतलब इंडिया से अगर वेस्ट की तरफ जाना है तो सूरत से ही जाया जाता था इसको गेट टू मक्का भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पिलग्रम तीर्थयात्री मक्का की तरफ जाते थे सिटी कॉस्मोपोलिटन थी कॉस्मोपोलिटन का मतलब है काफ़ी सारे धर्मों के लोग काफ़ी सारे जातियों के लोग यहाँ पर रहते थे सेवनटीन सेंचुरी में डच पोर्टुगीज़ इंग्लिश इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर स्टैब्लिश कर ली थी इंग्लिश के अकॉर्डिंग इंग्लिश एक क्रॉनिकल थे ओविंगटन हू रो एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन हंड्रेड एटी नाइन ओविंगटन ने सिक्सटीन हंड्रेड एटी नाइन में एक अकाउंट लिखा जिसमें यह बताते हैं कि लगभग हंड्रेड शिप्स जो हैं अलग अलग कंट्री के आपको पोर्ट पर रखे हुए मिल जाएंगे किसी भी टाइम लगभग हज सौ सौ के आसपास शिप्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग देशों के पोर्ट के किनारे पर और सेवरल रिटेल और होलसेल शॉप्स भी थी जो कि कॉटन टेक्सटाइल को बेचा करती थी तो रिटेल मतलब जहाँ पे नॉर्मली आप जाते हैं होलसेल जहाँ पे थोक में माल मिलता है तो वो भी आपको मिल जाती थी सूरत में सूरत फेमस था अपनी ज़री के काम के लिए जिसमें गोल्ड लेस बॉर्डर्स मतलब गोल्डन लेस का बॉर्डर होता था जरी का काम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता था सूरत में इसका मार्केट था यूरोप में वेस्ट एशिया में अलग अलग जगह पर स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउसेज अलग अलग रेस्ट हाउसेज बना रखे थे ताकि जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं पूरी दुनिया से उनके रहने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था कर दी जाए काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी और पार्क्स भी वहां पर होते थे मतलब वही ना घूमने के लिए पार्क्स वगैरह होते थे काठियावाड़ सेठ और महाजनस मनी चार्जेस जो थे उन काफ़ी ज़्यादा उनके एक तरह से बैंक की तरह वो काम करते थे सूरत में और उनके एक हंडीज़ होती थी सूरत हंडीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऑनर किया जाता था इजिप्ट में बरसा में है ना हर जगह पूरी दुनिया में बेल्जियम इजिप्ट और इराक़ वग़ैरह में हुडीज़ क्या होते थे हंडीज में ऐसे नोट होते थे जिसमें लिख के दिया जाता था कि इस पर्सन ने हमारे पास डिपॉज़िट जमा करके रखा है तो ये भाई मान लिया जाता था कि मतलब इस जगह पर डिपॉज़िट है तो उसको उसके नाम पर सामान दूसरे देश से दे दिया जाता था ताकि अच्छे से व्यापार हो सके इसलिए हुडीज चलती थी तो इट इज़ अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट मतलब यहाँ डिपॉजिट किया है और हुंडी दिखा दी तो दूसरी जगह से वो पैसा लिया जा सकता था देश के मतलब विदेशों में भी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी सूरत का मगर डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था सेवेंटीन सेंचुरी में क्योंकि काफी ज्यादा लॉस होने लगा था प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी क्योंकि क्या होने लगा था ना मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रही थी और सी रूट से जो पोर्टुगीज थे उन एंड कॉम्पटिशन फ्रॉम बॉम्बे प्रेजेंट ए मुंबई मुंबई से भी काफ़ी ज़्यादा सूरत को कॉम्पटिशन मिलने लगा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेडकोर्टर जो है शिफ्ट कर लिए थे सिक्सटीन में सूरत से और टुडे सूरत इज़ अ बस्लिंग कॉमर्शियल स्टेट सेंटर अब बीस पहले मतलब डिक्लाइन हो गया सूरत का बट अब जो है सूरत फिर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गया है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब कुछ दिक्कत है पटनम में तो पटनम जिसको हम मछली पटनम भी बोलते हैं पोर्ट ऑफ फिश मतलब मछली का पोर्ट ये कहाँ पर पड़ता है कृष्णा रिवर पर हमें देखने के लिए मिलता है सेवनटीन सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया था डच हो गए इंग्लिश हो गए ये सारे के सारे ट्राई कर रहे थे कि, कि किस तरीके से मसूलीप्टनम को हम लोग अपने कंट्रोल में ले लें क्योंकि आंध्र प्रदेश का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट था फोर्ट एट मसूलीपट्टनम बिल्ड बाय द डच डच का काफी ज्यादा कंट्रोल हो गया था मसूलीप्टनम पे फैक्टर क्या होता था ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूरोपियन कंपनी मतलब एक पर्सन होता था जो ट्रेडिंग की एक्टिविटीज का ध्यान रखता था इंग्लिश की कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी तो डिस्क्रिप्शन हमें ये है मसूलीपट्टनम बाय विलियम मेट फॉर अ फैक्टर फैक्टर वही ना जो व्यापारी होता था किसके बिहाफ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे वो बताता है कि ये चीफ पोर्ट है गोलकोंडा का और राइट uh, right, वर्शेफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट मतलब यहाँ पर एजेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के काफ़ी मतलब स्मॉल टाउन है बट पॉपुलेशन है और अच्छे से बिल्ड नहीं है अच्छी जगह सिचुएटेड नहीं है ऑल द स्प्रिंग्स ऑफ ब्रैकेश सारे के सारे जो पानी है वो सारे खारा खारा पानी है आसपास का पुअर फिश टाउन है गरीब फिश टाउन है और यहाँ के लोग अच्छे से नहीं रहते हैं और मेड रेजिडेंट फॉर मर्चेंट्स हो कंटिन्यू सिंस आर एंड टच नेशन फ्रिक्वेंटेड दिस कोस्ट तो हम लोगों ने इस कोस्ट को चला रखा है तो ये मतलब थोड़ी सी बुराई टाइप की करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब टाउन है कौन विलियम मैथोड यहाँ की मसूली पटनम की अब कुतुबशाही रूलर्स जो थे ना ये इंपॉर्टेंट है गोलकुंडा में कौन रूलर्स थे कुतुबशाही कुतुबशाही रूलर्स जो थे गोलकुंडा के उन्होंने इंपोज कर दिया था रॉयल मोनोपलीस ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स मतलब कि सिर्फ राजा के परमिशन से ही कपड़ा स्पाइस या फिर कोई भी आइटम जो है उसको बेचा जा सकता था इसलिए टू प्रिवेंट द ट्रेडिंग पासिंग कम्प्लीटली इंटू देंड्स ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज तो मतलब अलग देश के व्या, आ, व्यापारियों के हाथ में जाने से बचाने के लिए जो गोलकोंडा का रूलर था कुतुबशाही रूलर्स उन्होंने मना कर दिया था कि भाई बिना हमारे ऑर्डर के कुछ नहीं हो पाएगा आप लोग तो नहीं कर सकते व्यापार तो फियर्स कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स काफी भयंकर कॉम्पिटिशन था अलग अलग ट्रेडियस ट्रेडिंग ग्रुप व्यापारियों के में है ना जैसे कि गोलकोंडा के नोबल्स थे पर्शियन के और तेलुगु चेती यूरोपियन सबके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था इसकी वजह से काफ़ी प्रॉस्पेरस हुई कंपटीशन जहाँ पर होता है तो वहाँ पर क्या होता है उन्नति भी आती है मुगल्स ने स्टार्ट किया था मुगल बिगेन टू तो एक्सटेंड देयर पावर टू द दे गोलकोंडा देयर रिप्रजेंटेटिवस तो मुगल्स ने अपनी पावर एक तरह से दी थी इनको उनका गवर्नर जो था मीर जुमला वॉस वो भी मर्चेंट था बिगेन टू प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदा तो ये जो मीर जुमला था ये डच को और इंग्लिश को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने लगा इन 1686 के टाइम पर मुगल एम्पियर औरंगजेब ने अनैक्स कर लिया था गोलकुंडा को तो भाई पहले तो सही चल रहा था बट ये औरंगजेब ने ना अनेक्स कर लिया था गोलकुंडा को तब से थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ी स्टार्ट हो गई थी दिस कॉज यूरोपियन कंपनी टू लुक फॉर अल्टरनेटिवस अब यूरोपियन कंपनीज़ को देखने पड़े थे तो आ, मतलब जब तक गोलकोंडा के अंडर में था तब तक तो आ, जो कुतुबशाही रूलर्स के अंडर था गोलकोंडा तब तक सब सही चल रहा था पर जब औरंगजेब ने इसको कैप्चर कर लिया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी सोचने लगी कि, कि किस तरीके से हम लोग अल्टरनेटिवस देखें कहाँ और हम चले जाएँ क्योंकि इन्होंने व्यापार वगैरह काफ़ी ज़्यादा ठप करवा दिया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से छोड़ करके आ, अलग अलग जगह जैसे कि बॉम्बे कलकत्ता मद्रास वगैरह चली गई तो यहाँ का जो ट्रेडिंग सेंटर था वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने लगा और मसूलीप्टनम की जो इंपॉर्टेंस थी ना उसकी जो प्रोस्पैरिटी थी एटीन सेंचुरी आते आते Uh, मतलब ख़त्म सी हो गई थी और आज के टाइम पर भी इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हो पाया है अब आता है न्यू टाउंस एंड ट्रेडर्स अब जैसे हम लोगों ने हम्पी के बारे में देखा हम लोगों ने मसूरी पट्टनम के बारे में सूरत के बारे में देखा बट जब ये अंग्रेज़ आ गए थे फिर किस तरीके से नए टाउन्स और ट्रेडर्स जो हैं आ गए थे हमारे देश में सिक्सटीन और सेवनटीन सेंचुरी के टाइम में यूरोप पियंस जो हैं हमारे देश में मसालों की खोज में कपड़े की खोज में आ गए थे क्योंकि मसाले कपड़े ना यूरोप और वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे तो ये इंग्लिश डच फ्रेंच पोर्टुगीज सब के सब चाहते थे कि किस तरीके से इंडिया पहुँचा जाए ईस्ट के साथ अपना व्यापार बढ़ाया जाए वहाँ पहुंच करके तो काफ़ी सारे ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स थे जैसे कि मुला अब्दुल गफ्फार और वर्जी वोरा इन्होंने इनिशियली मतलब इनके पास काफ़ी सारे शिप्स थे तो ये कंपटीशन देते थे अंग्रेज़ों को बाकी लोगों को बट जो यूरोपियन कंपनीज थी ना इनकी नेवल पावर इनकी जो शिप वाली पावर थी ना वो काफ़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसलिए फाइनली ये लोग आ, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उनसे जीत गए अल्टीमेटली इंग्लिश कंपनी जीत गई और उसने कॉमर्शियल पोलिटिकल पावर हमारे देश में जमा ली कॉमर्शियल मतलब व्यापार करने लगे पोलिटिकल मतलब राज करने लगे हमें पता है कई सालों तक हम गुलाम रहे तो स्पर्ट हुआ मतलब एकदम से काफी ज्यादा फैला क्योंकि टेक्सटाइल की गुड्स की काफ़ी ज्यादा डिमांड होने लगी थी तो वीवर्स ब्लीचिंग डाइंग इस तरीके की चीज़ों के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा इस व्यापार में आने लगे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टेक्सटाइल के बिजनेस में आने लगे। अब टेक्सटाइल के जो डिजाइन थे ना वो काफी ज्यादा खूबसूरत हुआ करते थे इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका डिमांड था बट ये वाला जो पीरियड था ना सेवनटीन एटीन सेंचुरी वाला इसमें ना इंडिपेंडेंस खत्म हो गई क्राफ्ट पर्सन की उनको वही काम करना पड़ता था वही वीव करना पड़ता था जो यूरोपियन एजेंट से उन लोगों ने टाइप का टेंडर टाइप का लिया हुआ था कि इस तरीके की कॉपी आपको बनानी है तो उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई अपनी मर्जी से काम वो नहीं कर पाते थे वो लो नो no लॉन्गर अपनी मर्जी से ना बेच पाते थे चीज़ों को ना ही पैटर्न बना पाते थे इसकी वजह से दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट कंपनी एजेंट जो डिज़ाइन कहता था वही उन्हें बनाने पड़ते थे तो उनका व्यापार फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा एटीन सेंचुरी आते आते बॉम्बे कलकत्ता मद्रास का काफी ज़्यादा उदय हुआ ये काफी नोडल सिटीज बन गई जहां पे क्राफ्ट कॉमर्स सारे के सारे चेंजेस आए यहां पर मूव कर गए ब्लैक टाउन्स में ब्लैक टाउन्स यूरोपियंस ने बनाए थे नई सिटीज में ब्लैक टाउन्स बनाए गए थे ब्लैक टाउन्स मतलब इंडिया के लोग क्योंकि इंडिया के लोग उन लोगों से काले होते हैं तो ब्लैक टाउन्स उन्होंने बना दिए वाइट टाउन्स उन्होंने अपने लिए रखे वाइट रूलर्स ने जैसे कि काफी सुपीरियर रेसिडेंस काफी अच्छे अच्छे इलाके जैसे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज उन्होंने अपने मद्रास में बनाया था मतलब मद्रास के इलाके में फोर्ट जॉर्ज बना उसके आसपास व्हाइट लोग रहते थे और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा और जो स्टोरी है ना फिर का क्राफ्ट की कॉमर्स की एटीन सेंचुरी में हम लोग अगले साल भी देखेंगे एट्थ क्लास में भी काफ़ी कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ पर था सेंट जॉर्ज फोर्ट था मद्रास में और सेंट विलियम फोर्ट कहाँ पर था विलियम वाला था कलकत्ता में और जॉर्ज वाला था मद्रास में तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अभी हमें वास्को टिकागोमा के बारे में और क्रिस्टोफर कोलम्बस के बारे में हमें बताते हैं ये भी इंपॉर्टेंट तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट इंटरेस्टिंग है तो देख लेते हैं फिफ्थ सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स ने काफी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड सी वोएजेस किए थे कि क्योंकि उनको इंडिया ढूंढना था भाई इंडिया के लिए पागल थे उनको इंडिया के मसाले इंडिया के कपड़े चाहिए थे बट उन्हें रास्ता नहीं पता था व्यापार वो अरब्स के थ्रू करते थे मगर इंडिया का रास्ता नहीं पता था तो वास्को डिगामा एक पोर्टुगीज सेलर थे पोर्टुगल एक कंट्री है उसके सेलर थे उसके एक नाविक कह लीजिए आप बास्को डिगामा थे वो अफ्रीका के कोस्ट से होते हुए केप ऑफ गुड होप जैसे ये है केप ऑफ गुड होप या अफ्रीका है केप ऑफ गुड होप से होते हुए क्रॉस ओवर द इंडियन ओशन और उनकी इन इज फर्स्ट जर्नी टूक मोर देन अ ईयर पहली जर्नी जब उनकी की थी यात्रा उनको एक साल से ज़्यादा लगा था और वो कलिकट पहुँचे थे 1498 में 1498 में कलिकट पहुँचे थे एंड रिटर्न टू लिस्बन द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल ही लॉस टू ऑफ हिज फोर शिप्स मतलब चार में से दो शिप्स उनके ख़त्म हो गए थे एंड वन सेवेंटी मैन एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ओनली फिफ्टी फोर सरवाइव मतलब लगभग आधे से ज़्यादा लोगों की भी डेथ हो गई थी इस एक साल में पहले सी वोजेज़ में बहुत लोग मरते थे इन स्पाइट ऑफ द ऑबियस हज़ार्स द रूट देट वर ओपन अप प्रूफ टू बी एक्सट्रीमली प्रोफिटेबल मतलब इनिशियली तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें लगा एक साल लग गया इतना नुकसान भी हो गया बट बट एक बार उन्हें रूट का पता लग गया ना तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ फिर इंग्लिश डच फ्रेंच वगैरह सबके सब इंडिया में आ गए थे सी वॉइज फॉर इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट क्योंकि इंडिया बहुत सारे लोग ढूंढने के लिए निकले हुए थे क्रिस्टोफर कोलम्बस जो कि इटालियन थे वो भी इंडिया ढूंढने के लिए निकले थे बट वो इंडिया तो यूरोप के ईस्ट में पड़ता है बट वो लोग जो एक क्रिस्टोफर कोलंबस थे ना ये वेस्ट में चले गए अटलांटिक ओशन में पहुंच गए और एक उनको लैंड मिला जिसका इन्होंने नाम वेस्ट इंडीज़ दे दिया क्योंकि उनको कन्फ्यूजन हो गया था उन्हें लगा था मैंने इंडिया ढूंढ लिया है बट ये तो वेस्ट में है अब वेस्ट में है और इंडिया तो मैं कहूँगा इसे तो उन्होंने इसका नाम वेस्ट इंडीज़ दे दिया और ही वॉज़ फॉलोड बाई सेलर्स एंड कॉन्कुरस फ्रॉम स्पेन फिर स्पेन से पोर्टुगल से वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ गए साउथ अमेरिका का और सेंट्रल uh, वाला जो पार्ट था वहाँ का अमेरिकाज का वो इन्होंने कैप्चर कर लिया और जो पहले लोग यहाँ के रह रहे थे उनके एरिया को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ख़राब कर दिया और अपना कब्ज़ा इन्होंने जमा लिया तो वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढने निकले थे बट इंडिया पहुँच नहीं पाए थे तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कम्प्लीट कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पूरी प्लेस प्रोवाइड कर दूँ क्योंकि इससे पहले के सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं और हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर चुके हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक और हमारा चैनल है बी एक्स्ट्रा के नाम से उस पर हम लोग मैथ्स और साइंस कवर कर रहे हैं तो आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर विजिट करिए उसको भी सब्सक्राइब करिए थैंक यू